ओ जैक भैया, हमें कहाँ लेके जा रही हो? ओए मैंने बोला था ना हम घूमने जा रहे हैं। पूरी जैक भैया, वो देखो साइड में वो कौन है? ओए लगता है गलत जगह ले आया मैं तुम्हें। ना भैया, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि मैंने साइड में अभी किसी भूतनी को देखा जो गायब हो गई। अरे यार, यहाँ पे सामने पेड़ भी है, आगे रास्ता भी नहीं है। जैक भैया मोड़ो। अरे गेट किसने खोल दिया? अरे गेट किसने खोल दिया हमारा? ए कौन है? डरता नहीं हूँ मैं किसी से। ए कौन है? बाहर आओ। अरे भाई चीता, धीरे बोल भाई, धीरे, कोई सुन लेगा। अब यार चीता में दिमाग नहीं है यार, कोई ना कोई सुन लिया होगा अभी तक इसकी आवाज को। अरे ये किसकी आवाज है? मेरी आवाज है। तो दोस्तों, हम ये कहाँ फंस गए? ए यार ये क्या हो गया? दोस्तों जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम इस घर से बाहर निकलें। दोस्तों मुझे डर लग रहा है, इस रूम में तो बहुत अंधेरा है। दोस्तों देखो वहाँ पे ना एक टॉर्च जैसा कुछ पड़ा है, इसे उठा के देखना होगा। अरे अरे ये कौन है? भाग जा चुड़ैल, जा चुड़ैल। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया जैक भैया। ओ जैक भैया ने उस चुड़ैल को भगा दिया। दोस्तों ये तो वो सिलेंडरीना थी। अरे हाँ यार शिनचैन, वो सिलेंडरीना थी। हाँ, इसका मतलब तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ यार, कहीं हम गलती से ग्रानी के घर में। अरे यार ऐसी अशुभ बातें मत कर। दोस्तों देखो मुझे यहाँ पे एक चाबी मिली। अरे यार ये किसी गेट की चाबी है, कोई ओल्ड की है। अरे दोस्तों चेक करो इस गेट की तो नहीं। ना नहीं, क्योंकि ये गेट तो अपने आप ही खुल गया। दोस्तों बस उससे बचना जिस आदमी ने हमें मार के यहाँ पे कैद किया है ना। हाँ मुझे नहीं लगता है ग्रानी के घर है क्योंकि यहाँ पे एक और आदमी था। दोस्तों देखो वहाँ पे लीवर पड़ा है। पूरी सिलेंडरीना पागल बीच बीच में जंप स्केयर्स दे रही है, भाई चुप जाओ यार। अरे अरे दादी। अरे यार ये तो दादी का ही घर है। ओ यार हम गलती से दादी के घर में ही आ गए। अरे सब जैक भैया आपकी गलती है, वो देखो दद्दा भी है, दद्दा भी है। मुझे डर लग रहा है, तीन तीन लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। सिर्फ तीन लोग नहीं मेरे भाई, याद है जिसने हमें मार के यहाँ पे कैद किया, वो चौथा बंदा। वो चौथा बंदा कौन हो सकता है भाई? यार मुझे नहीं पता, चलो इस घर से बाहर चलते हैं यार। ओ यार मेन गेट तो बंद है हर बार की तरह। अरे दोस्तों ये लीवर हमारे, अरे लीवर गिर गया मेरे हाथ से। अरे यार वो दद्दी कभी भी आती होगी यार, बहुत उन्हें लीवर क्यों गिरा दिया। ओ यार ये लीवर लगेगा कहाँ पे? ना दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जैसा, इसे खोलते हैं। अरे दोस्तों कुछ आवाज आ रही है ऊपर से। अरे लगता है कोई गेट खुल गया ऊपर का। ए अच्छा ही है, जो भी गेट है खुल गया, हमारे को बस गेट ही खोलने हैं, मेन गेट खोल के भागना है। ए देखो वहाँ पे दद्दा और दादी भी है। अरे यार हम इन दद्दा और दादी से कैसे बचे? ना मैं उन्हें कैसे भी चकमा देके अंदर जाना ही होगा। अरे दद्दा ने हमें देख लिया, दद्दा ने फिर से हमें देख लिया। अरे यार दद्दा हमें देख रहा है, दद्दी तो अंदर चली गई। अरे यार लेकिन दद्दी अंदर चली गई तो वो भी हमें जंप स्केयर देके मार सकती है। दद्दा को डॉच करो। अरे डॉच करके भागो। ए जय श्री राम, भागो भागो अंदर भागो। ना भागो भागो, अरे गेट बंद कर दो यार। अबे अरे मेरे से गेट बंद नहीं हुआ यार। अरे यार तो वो कभी भी आती होगा, जल्दी से छुपो। अरे दोस्तों देखो यहाँ पे सीजर्स पड़ी है। अरे पक्का इन सीजर्स का कुछ ना कुछ काम होगा। ओए वो तो ऑब्वियस है यार, हमें कोई ना कोई रस्सी काटनी पड़ेगी। हाँ ढूंढता हूँ मैं कोई रस्सी जो काटने लायक हो। यार यहाँ पे तो मुझे कोई दिख नहीं रही है ऐसी। अरे दोस्तों इस रूम में है, देखो यहाँ पे एक रस्सी जैसी तो है, इसे काट सकते हैं। अरे लेकिन काट के कुछ हुआ नहीं। अरे कैसे होगा, वो नीचे स्क्रू ड्राइवर से भी बंद है। ए तो यार वो स्क्रू ड्राइवर, अरे दादी आ गई। ना जल्दी से हमें नीचे जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अरे दोस्तों यहाँ पे एक नाली है, नाली से कूद के नीचे गिर सकते हैं। ओए यार कमर टूट गई मेरी, लेकिन नीचे आ गए वही बड़ी बात है। दोस्तों गौर करने की बात है, यहाँ पे एक बेसमेंट भी है। हाँ शायद इन लोगों ने हमारी गाड़ी यहीं पे छुपाई होगी यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ए ध्यान से देखो, मिट्टी में मेरे को एक चीज दिखी। मिट्टी में तुझे ही कुछ ना कुछ दिख सकता है। और यहाँ पे तो कोई की जैसी है, इससे खुलेगा क्या? अरे यार मैं ढूंढता हूँ कोई ना कोई ऐसा बॉक्स जो इससे खुल जाए। अरे दोस्तों इधर आओ, देखो यहाँ पे कोई खुफिया सा यार टनल जैसा है। अरे यार इसे खुला। अरे दोस्तों इससे खुल गई इस चाबी से, यहाँ पे तो शॉटगन पड़ी है। यस अरे यस, और अनलिमिटेड एमोस। ओ यार पहले तो दादी के घर में ऐसी अनलिमिटेड एमोस नहीं होती थी, अब है, मजा आएगा। ओ दादी ले बेटे, अब तो तू गई। दोस्तों अगर हमने ग्रानी का ही सबसे मुश्किल घर पार कर लिया तो हर बंदे से 1000 लाइक्स चाहिए। अरे दोस्तों सामने देखो, वो देखो ये तो वही है जिसने हमने कैद किया था। ओए लेकिन डरने की बात नहीं है, मेरे पास गोली है। ओए दादी ले। अरे भाई साहब जैक भैया ने तो दद्दी को उड़ा के फेंक दिया। ओए ऐसी बहुत दद्दिया देखी है मैंने। पूरी दोस्तों देखो यहाँ पे कोई गेट है जो खोलना है, लेकिन वो मैं अपने हाथ से नहीं खोल सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी है। ए यार तो मैं इसमें गन शॉट मारूं, लेकिन वो बहुत धीरे खुल रहा है, हर शॉट पे वो बस थोड़ा सा ही खुल रहा है। अरे मारते जाओ ना फिर, जितनी देर में खुलेगा यार खुल जाएगा वो। यार लास्ट है, अगर हम नहीं खुलाना तो मैं गिव अप कर दूंगा। कैसे हो? मेरा नाम नो
अरे आवाज तो सुनिए, पूरी तो दो। और लगता है हम भाई खड़े हो गए जहाँ पे नौसर फाटू का स्पॉन पॉइंट है। हाँ जग भैया, पहली बार आपने सही बात करी। अरे उस फट्टू को तो मैं मार दूंगा, ज्यादा बन रहा है वो, अभी मारता हूँ। अरे शिंचन आराम से भाई, आराम से आराम से। अरे क्या वो मुझे रोकेगा उसे? अरे अरे यहाँ पे गिरानी और नौसर फाटू दोनों है। उरी भाग भाई भाग। अरे नीचे चलो। अरे यहाँ पे दद्दा आ गया। उरी अब हम क्या करें, यहाँ पे दद्दा है, वहाँ पे नौसर फाटू। भागो ना, भागो 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 जल्दी। दोस्तों यार मुझे डर लग रहा है क्योंकि हम डे 3 पे आ गए हैं। ले भाई अब तो हम गए। हाँ मुझे लग रहा है हम हार जाएंगे, डे 3 पे आ गए हैं। ओए यार अब क्या करें? दोस्तों डरो मत यार, तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं तो जितवा के रहूंगा। देखो ये वाला ड्रॉर खुल के देखते हैं। अरे देखो पहले ड्रॉर में ही बैड लक की मिल गई। पूरी बहुत बढ़िया शिंचन भाई, दद्दा यहाँ पे आराम से करेंगे इस बार। हाँ यार इस बार आराम से करेंगे, हमने जल्दबाजी के चक्कर में 2 डेज गवा दिए फालतू में। यार नौसर फाटू भी यहाँ पे, दद्दा भी यहाँ पे, तो मुझे लगता है हम ऊपर जा सकते हैं। हो यार चल चलते जल्दी से ऊपर, डायरेक्ट ऊपर भागेंगे। हाँ चलो जल्दी चलो ऊपर। हाँ यार भागो भागो, मुझे नहीं लगता कोई होगा सामने। हो यार क्योंकि ग्रानी भी नीचे। अरे ग्रानी यहीं पे थी। अरे शिनचैन डे 4 पे आ गए हैं भाई, अब तो हम हार जाएंगे। हाँ मुझे भी लग रहा है हम हार जाएंगे, लास्ट डे है यार ये, अगर हमने इस डे पे नहीं किया तो हम पक्का मरेंगे। शिनचैन भाई क्या करे यार, अब हमें धीरे करना होगा। ए हाँ जल्दबाजी के चक्कर में हम बहुत बार मर गए, अब नहीं, अगर अब मरे तो पक्का फंसेंगे। ओ यार पहले तेरे चक्कर में यहाँ फंसे और चिल्ला चिल्ला के, और जैक भैया की वजह से। दादा दादी यहाँ पे है तो नसर फाटू देखते हैं वो कहाँ पे होगा। हाँ यार नसर फाटू देखते हैं वो यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ जहाँ पे भी हो हमें बस उसे इग्नोर करना है। ओ यार उसे इग्नोर करके ऊपर चलते हैं जल्दी से। हाँ मुझे लग रहा है कि वो नीचे आ गया होगा तो हम ऊपर जा सकते हैं, और ये गेट भी बंद है, इसका मतलब वो गेट बंद करके चला गया होगा। ओ यार पॉसिबल तो है। हाँ अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से चल के देखते हैं। उरी उरी नौसर फाटू यहीं पे। अरे लेकिन हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नीचे दद्दा दादी है। ओए हम फिर से फंस गए, अगर आप मरे तो गए। ना बिल्कुल धीरे आवाज करो, धीरे आवाज करो, उसे पता नहीं चलना चाहिए। हाँ यार क्योंकि सामने हमारी गोली है, हमें बस गोली तक पहुंचना ही होगा। उरे उसने हमें देखा तो नहीं? अरे जल्दी भागो जल्दी भागो। उरी दो दो उसने हमें नहीं देखा, हम गोली उठा सकते हैं फटाफट। ओए मैंने उठा ली। ओए नसर फाटू। अरे जाग भैया उससे क्यों लड़ रहे हो, गोली में बुलेट सी नहीं है। ना कसामत उन्हें सही टाइम में बता दिया वरना भैया भी मरवा देते। ओए यार सॉरी गाइस, अब देखना वो जो एक भैया मार दो उसे। ओए येल्ले ओए नसर फट्टू मुझे मार मत। अरे नसर फट्टू की आवाज़ बहुत डरावनी है। ओए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी तो लाश को भी मारूंगा। दोस्तों अभी तक हम इस वाले रूम में नहीं गए। हाँ यार तेरी बात बिल्कुल सही है, अभी तक हम इस रूम में नहीं गए। देखो यहाँ पे कुछ पड़ा है। हाँ मैंने डायमंड शेप का कुछ बेसमेंट में देखा तो था जब हम बेसमेंट में गए थे। उरी तो जल्दी से बेसमेंट में चलो वापसी, शायद हम इस डायमंड को वहाँ पे लगा सके। हो सकता है। ए मैं तो कह रहा हूँ सेफ्टी के लिए गन भी रख लो यार। ओए हाँ यार गन रख लेते हैं। हाँ गन रखनी पड़ेगी भाई क्योंकि दद्दी आज बहुत पागल हो चुकी है और हमारे पास एक्स्ट्रा दिन भी नहीं है, तो जितना हम प्रिकॉशंस हो सकते हैं हमें होना पड़ेगा। हाँ यार इधर से कूदो। ओए यार कमर टूट जाती है। ओए ओए दद्दी यहाँ पे है। ओए येल्ले गोली। अरे जाग भी आपने दोनों गोलियां मिस कर दी। उरी भाई हम क्या बचे भाई, भागो जल्दी। बचे नहीं है, वो हमारे पीछे ही है। हाँ जल्दी करो इसके नीचे से जल्दी से आगे चलो। ओए यार सामने, ओए सामने सिलेंडरी ना भी आ। ओए भाई यार ये बहुत ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, जल्दी ऊपर चलो। हाँ यार जल्दी चलो लेकिन बिल्कुल मतलब देख के चलो क्योंकि कहीं पे भी, ओए नसर फाटू यहाँ पे है और हमारे पास बुलेट्स भी नहीं है। अरे यार अब हम क्या करें। हाँ नीचे मैंने एक बुलेट्स देखी थी, वहाँ पे हम बुलेट्स रिलोड कर सकते हैं। ठीक है हम जल्दी से जाके छुपते हैं, तू बता दे कहाँ पे है। हाँ वो सामने ही टेबल पे है, यहाँ पे बस छुपे रहे। वो देख वहाँ से सामने से लेफ्ट पे टेबल पे पड़ी है बुलेट्स। अच्छा ठीक है लेनी होगी तो ले लेंगे, अभी वैसे मुझे नहीं लगता कोई आएगा। उरे क्या बोल रहे, देख दो दद्दा दद्दी यहाँ पे खड़े हैं। और अगर अभी वे बुलेट्स होती दोनों को मार देता। जैक भैया आप तो मत ही बोलो, आपने दादी पे 2 शॉट्स मिस करे है, वो भी क्लोज रेंज से। हाँ यार दादा पीछे ही है अभी हमारे, मर जाएंगे हम लोग। हाँ बुलेट्स बाद में ले लेंगे क्योंकि दद्दा बिल्कुल पीछे ही है हमारे। ए दोस्तों सबसे पहले जो सुअर का नाला हमसे नहीं खुल रहा था उसको खोल देते हैं। अबे सुअर का नाला नहीं भाई, वो सीवर का कवर है और वो खोल दिया। ए यार फिर से कूदना पड़ेगा। और यार फिर कमर पे लगी यार, बार बार गिर रहे और कमर पे लगे जा रही है। उरी और अब नहीं करेंगे ठीक है जैक भैया। अरे दोस्तों देखो सामने से तीनों आ रहे हैं। उरी और भी गए। ओए अब नहीं छोड़ूंगा, एक शॉट में 2 को मारूंगा। ओए दादी उड़ा दी, दादा भी उड़ा दिया और नौसर फाटू भी उड़ा दिया। क्या बोल रहा था शिनचैन कि 2 शॉट मिस कर दिए ग्रानी पे, अब देख एक शॉट में दोनों को उड़ा दिया। अरे वाह जैक भैया आप तो बहुत महान हो। आप सब मर चुके हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि अब हम बेसमेंट में जा सकते हैं वो डायमंड लेके।
ठीक है यार चलते हैं जल्दी से। तू कह रहा है कोई डायमंड शेप है नीचे, तो देखते हैं क्या हुआ। अरे यार यहाँ पे डायमंड शेप तो है। हाँ मैं लगा के देखता हूँ इसमें डायमंड, शायद कुछ हो। अरे गेट खुल गया इससे। ओए बहुत बढ़िया मुन्ना, तू पहली बार कुछ काम आया है। दोस्तों याद है मैं एक ओल्ड की मिली थी। ओए हाँ यार अभी तक उसका कुछ काम नहीं आया, तो एक काम करते वो ओल्ड की लाते। अरे अरे दादी हमारे सामने स्पॉन हुई। अरे ये बुड्ढी टॉयलेट में क्यों स्पॉन होती है? अरे टॉयलेट प्रिंसेस टॉयलेट में स्पॉन होती है। एक काम करते हैं नीचे जाने से पहले बुड्ढा बुड्ढी को फिर से टपका देते हैं। ठीक है जाग भैया शुरू हो जाओ। और यार तुम लोग क्या समझते हो कि मैं बुड्ढा बुड्ढी को टपकाने के लिए बैठा हूँ? हाँ लगता तो यही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नो सर फाटू को भी टपकाओ। और यार अब उसे कहाँ ढूंढू भाई भट्टू। और भट्टू इधर देख और ये ले। दोस्तों लीवर उठाते हुए हमने ओल्ड की यहीं छोड़ दी थी, चलो जल्दी से ओल्ड की लेके नीचे चलते हैं। दोस्तों ओल्ड की सी तो हम शायद ये वाला गेट खोल सकते हैं। और ये वाला गेट तो खुला ही हुआ था। ए उस रूम में हैमर पड़ा है। अच्छा उस रूम में हैमर पड़ा है क्या? हाँ इधर आओ, यहाँ पे हैमर से भी ज्यादा तगड़ा वेपन है। ऐसा क्या है वहाँ पे? यहाँ पे कॉस्मिक गन है। कॉस्मिक गन? अरे कॉस्मिक गन क्या होती है? और यार ये वेपन मुझे पता है, ये कॉस्मिक गन ना एक बार चलाओ फिर उसके बाद अनलिमिटेड टाइम मार सकते हो इसे। ये देख, और जैसे मैं अभी इस दत्ती को मार दूंगा इसमें बुलेट्स नहीं होती, ये रेडिएशन से वापस चार्ज हो जाता है। और अब आप फिर से किसी को मार सकते हो। ना अभी हैमर लेके जल्दी से जाते हैं, कहीं ना कहीं तो प्लैंक्स होंगे जिन्हें हमें तोड़ना होगा। अतः मुझे याद है हम इस सीढ़ियों के ऊपर तो नहीं गए एक बार भी। ठीक है यार जाके देखते हैं, क्या पता यहाँ पे कुछ काम आ जाए, क्योंकि मैं ऊपर प्लैंक्स तो दिख ही रहे हैं। और तो ठीक है चलो फिर जल्दी से ऊपर। ए पक्का कुछ ना कुछ होगा उधर, मेरे को लग रहा है। याद है पिछली बार इसी रूम के अंदर एक कॉट होता था जिसमें एक बच्चा सा होता था? और यार लेकिन इस बार शायद वो बच्चा नहीं है क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ से। ए दोनों ने बच्चे को पक्का शिफ्ट कर दिया होगा। यहाँ पे क्या होगा? हाँ देखो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा है। और स्क्रू ड्राइवर ये तो हमारे काम आ सकता है। याद है जिसको हमने काटा था उसके नीचे स्क्रू ड्राइवर से लॉक था? ए हाँ उसके ऊपर पक्का कुछ सामान होगा। जल्दी से स्क्रू ड्राइवर लेके नीचे चलते हैं। और यार नीचे ये किसका कमरा है? अरे ये तो वही है जहाँ पे नौसर फाटू होता है। ये तो पहले काम करते हैं ना, नौसर फाटू को मार देते हैं। अगर हम नौसर फाटू को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार के हमारी जिंदगी खराब कर देगा। हाँ वैसे भी हमारा लास्ट डे, तो जैक भी हमने नौसर फाटू को मार के अच्छा किया, तो हम शांति से लॉक खोल पाएंगे। अरे इसके ऊपर रखा क्या हो गया यार? हम सबकी हाइट बहुत छोटी है इसलिए हमें दिख नहीं रहा, वरना हम वैसे ही निकाल देते। और यार इसमें तो कोई बैटरी पड़ी है। अरे ये तो हमारी गाड़ी की बैटरी है। अरे अगर ये गाड़ी की बैटरी यहाँ पे है तो उसका मतलब गाड़ी भी आसपास ही होनी चाहिए, हमने यहाँ पे नहीं देखा। अरे यार इसके पीछे तो हमारी गाड़ी और लटकी हुई है वो। पूरे तो लटकी हुई को काटना पड़ेगा हमें। पहले दद्दी आ रही है उसे मार दो जैक भैया। ओए मैंने मार दिया। ओ अब हमें सिजर्स ला के अपनी गाड़ी को नीचे गिराना होगा। अरे सामने से फट्टू आ गया। ओए तो इसे भी मार दूंगा, ये कहीं का महाराजा है। अरे बहुत बढ़िया जैक भैया। अरे दोस्तों जल्दी चलो यार, वो सिजर्स से हमें सिजर्स का काम है। पूरी सिजर्स मैंने यहाँ फेंक दी थी। अच्छा ठीक है तो सिजर्स लेके जल्दी से ऊपर चलते हैं। हाँ मैं इसे काट देता हूँ। यार कहाँ से काटूँ? अरे बिल्कुल नीचे से काट ताकि वो पूरा कट जाए। मैंने काट दिया और गाड़ी नीचे चली गई। बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया होगी। एक काम करते हैं, जहाँ पे गाड़ी है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान फेंकते रहते हैं। जैसे ही काम करता हूँ मैं ये पैडलॉक की फेंक देता हूँ, शायद इसका कोई काम हो क्योंकि अभी तक तो मुझे इसका कोई काम लगा नहीं। और एक काम करते हैं, जैसे ये हैमर है इस हैमर को भी नीचे फेंक देते हैं, शायद से इसका कुछ काम हो। ना मैंने तो कार की भी नीचे पहुँचा दी है। बहुत बढ़िया यार होगी। मैं काम करता हूँ ये बैटरी फेंक देता हूँ। हाँ यार बैटरी तो चाहिए ही चाहिए होगी क्योंकि बैटरी की तो यार गाड़ी में ही काम है हमारी। हाँ यार अब एक काम करते हैं, गन भी लेते हैं और नीचे चलते हैं। अगर दादा दादी बाय चांस वहाँ पे आ गए तो हमें उन्हें मारना होगा और हम बच नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत छोटी जगह है। ठीक है यार कजामा चल जल्दी चल। दोस्तों मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे दादा दादी तो नहीं है। नहीं है नहीं है, तुम लोग आ जाओ। पहले मुझे लग रहा था हमारी गाड़ी की बैटरी है, लेकिन ये गाड़ी की बैटरी नहीं है, ये गैराज के दरवाजे को ऊपर करने की बैटरी है। तो ये ना यहाँ पे दरवाजे के साइड में लगा दे शिनचान। ठीक है यार मैं लगा देता हूँ। हाँ अब एक काम करते हैं, वो गेट नहीं खुला तो उसके लिए यार एक काम करते हैं, पहले ये ना पैडलॉक से इसको हटा देते हैं। हाँ मैंने हटा दिया। बहुत बढ़िया यार होगी। अब हमें क्या करना है कजामा? भाई यार अब मेरे को लगता है हमने ऑलमोस्ट सभी कर दिया, बस ये लीवर ऊपर करते हैं और एक गेट अपने आप खुल जाएगा। वो गेट देख खुल रहा है। ठीक है यार तो जल्दी से गाड़ी में बैठते, कार की तो मैं पहले ही आया था। हाँ यार जल्दी से गाड़ी में बैठ। अरे दादा दादी साइड में ही खड़े हैं। और तब भगा गाड़ी। अरे जैक भैया आप बैठे हो गाड़ी की सीट पे। सॉरी सॉरी। यस दोस्तों हमने ईरानी के घर पार कर दिया, इसलिए हर बंदा 1000 लाइक ठोक दो। अगर ये लोग फिर से आएंगे तो मैं इन्हें जिंदा खा जाऊंगा, चिंता मत करो दादा दादी। दोस्तों अगर आप लोगों को ग्रानी वाली ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे दोनों ही चैनल को और लाइक भी कर दो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे दो वीडियोस और दिख रही होंगी, उनमें से किसी एक वीडियो को क्लिक कर लो। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।